सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आपको एक अपडेट दे दें, जहां प्रधान आरक्षक तालिब शेख के परिजनों से IBC 24 ने खास बातचीत की है। तालिब शेख की मां बोली, इस घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। घटना के 4 दिन पहले मिलकर गई थी बेटी और बहू, क्या पता था दोनों की लाश घर में वापस आएगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और फांसी देने की सजा की मांग की गई है। 13 अक्टूबर की रात सूरजपुर के महगवां इलाके में मां और बेटी की हत्या हुई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ थे हम, उस पुलिसकर्मी तालिब के घर पे मौजूद हैं हम। उनकी मां और भाई जो है, उनके परिजनों से हम बात करेंगे। इस घटना के बाद आखिर जिस तरह की घटना हुई, क्या कुछ आपकी अंतिम बात बहू से कब हुई थी, घटना के पहले कब? 4 दिन पहले आई थी घटना के पहले। डॉक्टर को दिखाई, वहाँ से आई तो फिर नाश्ता करी, दवा खाई हमारे पास, फिर जाने लगी। बोली डॉक्टर को इनको दिखाना है, मैं बोली दिखा के आओ। तो बोले नहीं मम्मी, वहाँ से थाने से फोन आ रहा है, बोल रहे हैं उधर ही से मैं निकल जाऊँगा। बोली मम्मी जल्दी आऊँगी, मैं कपड़ा डाली हूँ टेलर के यहाँ, जल्दी आऊँगी लेने। और जल्दी आई तो इस हालत में आई कि देख ही नहीं जा रही थी। तालिब के बड़े भाई आरिफ हमारे साथ में हैं। पूरी जो घटना हुई है इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपके परिवार से पिताजी भी पुलिस सेवा में थे, दो दो भाई पुलिस की सेवा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घटना हो रही है, जो रंजीश सामने आ रही है, क्या लगता है आपको इस सेवा को लेकर के? ये बहुत ही विभत्स घटना है। पुलिस की सेवा में था और वो और ड्यूटी में उस टाइम थाने में मौजूद था, और ये यहाँ पे ये लोग लड़ते हुए शहीद हुए एक तरह से। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको शहादत का दर्जा मिले और जो दोषी पकड़े गए हैं उनको फास्ट ट्रैक में मामला चला के जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी, फांसी कम से कम फांसी दी जाए, उसके अलावा कोई और सजा हमें मंजूर नहीं है। और निश्चित रूप से जो परिवार पे जो दुख आया है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और जिस तरह से तालिब जो एक अच्छे विवेचक रहे हैं, जिनकी गिनती एक अच्छे पुलिसकर्मियों में होती रही है, और जिस तरह से परिवार की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाना चाहिए, और परिवार की यह भी मांग है कि जो है कम से कम फांसी की सजा इस पूरे मामले में दी जानी चाहिए। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेन्द्रगढ़।